नमस्कार दोस्तों, भारतीय कानून व्यवस्था के लिए हम बचपन से जब फिल्में देखते हुए बड़े हुए हैं तो हमें यह सिखाया गया कि कानून अंधा होता है। ठीक है, अब तक बड़े होते होते हमने ये बात शायद डाइजेस्ट करना सीख ली। लेकिन क्या कानून को प्रभाव देने वाली एजेंसीज भी ब्लाइंडनेस के साथ काम करेंगी तो क्या ये सही होगा? नेचुरली योर आंसर वुड बी नो। मैं दोस्तों आज की इस वीडियो से सीपीसी यानी सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेल ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा की जा रही एक बहुत बड़ी गलती को आपके समक्ष रखना चाहता हूं और आशा करता हूं कि मेरी ये वीडियो वहां तक भी पहुंचे और जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस गलती को समझे और इसमें सुधार करें। और यदि मेरे जैसा कोई यूट्यूबर गलत बोल रहा हो तो उसको भी सही करें कि अनूप जी आप इसलिए गलत कह रहे हैं। मैं अपनी बात की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए दोस्तों जहां जरूरत होगी लॉ का भी सपोर्ट लूंगा और एक तरीके से इस वीडियो को इस प्रकार आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि मानता हूं कि आप यहां पर जज हैं, मैं यहां पर मुवक्किल की ओर से एक वकील हूं जो उस केस को प्रस्तुत कर रहा है। और जब मैं इस केस को समाप्त करूंगा इस डिस्कशन से वीडियो से तो आप कमेंट्स के रूप में लिख सकते हैं कि आपकी एज अ जज राय क्या है कि यहां कोई गलती हो रही है या मेरे जैसा कोई अधिवक्ता गलत अपनी बात रख रहा है तो आप उसे भी करेक्ट कर सकते हैं। चलिए माजरा क्या है आगे लिए चलता हूं। तो दोस्तों जो इश्यू इन्वॉल्व है यानी जो धुंधलका है या जो प्रदूषण है जिसकी वजह से मेरे को यहां पर आपके समक्ष हाजिर होना पड़ा, सीपीसी वाइल प्रोसेसिंग द आईटीआर अंडर सेक्शन 143(1) इज प्रेजेंटली डिसअलाउिंग द रिबेट क्लेम्ड अंडर सेक्शन 87A अगेंस्ट द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनकम which is subjected to taxation under section 111A of the Income Tax Act 1961. और स्पष्ट रूप से कहूं तो CPC सेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन दिनों जब असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR प्रोसेस कर रही है तो ITR प्रोसेस करते समय ऐसे सभी करदाताओं के केस में जहां पर न्यू रिजीम में कैलकुलेशन हुई है टैक्स लायबिलिटी की, करदाताओं ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 111A में जहां पर 15% टैक्स लग रहा था असेसमेंट ईयर 24-25 में रिबेट क्लेम कर ली अंडर सेक्शन 87A क्योंकि टोटल रिबेट 25,000 तक क्लेम की जा सकती है। परंतु सीपीसी आईटीआर को प्रोसेस करते समय इस 25,000 की रिबेट में यदि आपने कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रिलेटेड टैक्स लायबिलिटी ऑफर करी है तो उस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रिलेटेड टैक्स लायबिलिटी का उन्होंने रिबेट 87A में कंसिडर नहीं किया और सेक्शन 143(1) में करदाताओं के विरुद्ध डिमांड खड़ी कर दी। अब ये डिमांड जब करदाताओं पर खड़ी हुई तो करदाता यहां पर शुभ हैं कि अरे साहब ये डिमांड गलत है, ये डिमांड नहीं रहनी चाहिए। तो मेरे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई मेरे टैक्स एडवोकेट दोस्त ये राय यहां पर फिर अपना बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे क्योंकि क्या ये डिमांड सीपीसी सही बना रही है या नहीं। दोस्तों अपनी बात को और क्लियर करने के लिए आपके समक्ष उदाहरण से मैं एक चार्ट के फॉर्मेट में, एक टेबल के फॉर्मेट में अपनी बात रखता हूं कि मान लीजिए एक करदाता ने जो कि इंडिविजुअल है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विच इज सब्जेक्ट टू टैक्सेशन अंडर सेक्शन 111A 2,00,000 रुपए की इनकम उसमें ऑफर करी, 3,00,000 रुपए उस व्यक्ति की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से इंटरेस्ट की इनकम है, न्यू टैक्स रिजीम करदाता ऑफर कर रहा है एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि वही बाय डिफॉल्ट रिजीम है असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, तो 5,00,000 रुपए की टोटल इनकम, टैक्स लायबिलिटी बनी सर 30,000। आप कहेंगे अनुज जी 30,000 कैसे डिटरमाइन किया, 3,00,000 पर टैक्स लायबिलिटी अंडर न्यू रिजीम 0 बिकॉज ऑफ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ऑन अदर सोर्स इनकम, 2,00,000 रुपए स्पेशल रेट की इनकम है इस पर 15% की टैक्स रेट अंडर सेक्शन 111 ने फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए थी तो वहां पर 15% इंटू 2,00,000 तो हमारा टैक्स बना 30,000। 87A की रिबेट 25,000 रुपए मिल रही थी, क्यों? क्योंकि पिछले साल से ही वित्त वर्ष 23-24 से भारत सरकार ने बोला न्यू रिजीम बाय डिफॉल्ट रिजीम है 7,00,000 रुपए तक की टोटल इनकम पर आपको 25,000 रुपए की रिबेट हम देंगे। ठीक है, मैंने 25,000 की रिबेट क्लेम करी, 5,000 रुपए नेट टैक्स पेएबल बना, 2,000 रुपए का HEC 4% रेट से अप्लाई हुआ, 5,200 रुपए से मैंने रिटर्न टैक्स पे करके फाइल कर दी। अब सीपीसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसे प्रोसेस कैसे किया वो समझने की बात है। उन्होंने मेरी टोटल इनकम में कोई चेंज नहीं किया, मेरी प्राइमा फेसाइड टैक्स लायबिलिटी 30,000 रुपए मान ली, लेकिन 87A की जो मुझे रिबेट मिलनी थी सर
वो 87A की रिबेट उन्होंने जीरो कर दी। क्यों? क्योंकि उनके ओपिनियन में आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम जो 15% की टैक्स रेट की है उस पर 87A की रिबेट मिलती नहीं। तो उन्होंने मेरी टैक्स लायबिलिटी को 30,000 कर दिया, फर्दर HEC 4% लगाया 1,200 और 26,000 रुपये मेरे से और मांग लिए, 31,200 माइनस 5,200। तो मेरे जैसे लोग खलबली में आ गए, कह रहे 26,000 रुपये कहां से दूंगा जबकि मेरे हिसाब से तो 5,200 बनते थे जो मैंने दे दिए। तो टोटल 31,200 की टैक्स लायबिलिटी बना दी एज अगेंस्ट 5,200। तो ये ब्लंडर है, इस ब्लंडर पर मैं आगे आपको डिस्कशन में और लिए चलता हूं कि ये सही है या गलत तरीके से बनी डिमांड। तो दोस्तों मेरे दिमाग में आया क्योंकि क्या क्वेश्चन यहां पर पैदा होते हैं, तो क्वेश्चन दैट एमिनेट आर, नंबर वन, कैन असेसी क्लेम बेनिफिट ऑफ सेक्शन 87A रिबेट अगेंस्ट द टैक्स ड्यू बिकॉज ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 112A। उदाहरण तो मैंने रखा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर क्वेश्चन की शुरुआत कर रहा हूं कि यदि आपके पास में सेक्शन 112A के नेचर की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम शेयर मार्केट की होती है जो कि 10% रेट पर टैक्सेबल होती है, क्या उस आय के अगेंस्ट भी आपको 87A की रिबेट मिलती है। दूसरा क्वेश्चन, कैन एसएससी क्लेम बेनिफिट ऑफ सेक्शन 87A रिबेट अगेंस्ट द टैक्स ड्यू बिकॉज ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 112। ऐसा कैपिटल गेन जो लॉन्ग टर्म होता है परंतु 10% रेट पर टैक्सेबल होने वाला नहीं होता, शेयर मार्केट के अलावा होता है, से रियल एस्टेट वगैरह का, वहां क्या 87A की रिबेट मिलती है। तीसरा प्रश्न, कैन असेसी क्लेम बेनिफिट ऑफ सेक्शन 87A रिबेट अगेंस्ट द टैक्स ड्यू बिकॉज ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 111A। और जो पहले अभी आपके सामने एग्जाम्पल रखा है वो भी सेक्शन 111A से रिलेटेड है। और इन तीनों प्रश्नों में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे लिए जो प्रेजेंट स्टेट में है जिसकी वजह से मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं वो है ये सेक्शन 111A वाला मैटर जिस पर मैं आगे और चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले बात शुरू करता हूं सेक्शन 112A पर, क्योंकि तीनों क्वेश्चन में सबसे पहले 112A पर मैंने बोला था कि क्या 10% की रेट पर जो इनकम टैक्सेबल होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सब्जेक्ट टू STT जो ट्रांजेक्शन होते हैं शेयर मार्केट के लॉन्ग टर्म इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स के, तो वहां जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम आती है न्यू टैक्स रिजीम, मेरी सारा डिस्कशन न्यू टैक्स रिजीम पर है, क्या वहां पर सेक्शन 112A के 10% की गणना में फाइनल टैक्स लायबिलिटी की कंप्यूटेशन में, वैसे तो हम सबको पता है 1 लाख तक टैक्स लायबिलिटी नहीं है, एक से ऊपर टैक्स लायबिलिटी अगर आएगी, एक से ऊपर के कैपिटल गेन है तो 10% टैक्स लगेगा। मेरा क्वेश्चन है क्या सेक्शन 112A की जो 10% की टैक्स रेट है उसमें भी 87A का रिबेट मिलता है क्या। तो इस क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए आप मेरे साथ चलिएगा सबसेक्शन 5 ऑफ 112A जो अभी अभी आपके समक्ष प्रकट हुआ। वो कहता है साहब, वेयर द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी इंक्लूड्स एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रेफर टू इन सबसेक्शन 1, कौन सा जो सेक्शन 112A वाला कैपिटल गेन है 10% वाला, द डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A शैल बी अलाउड फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम एज रिड्यूस्ड बाय सच कैपिटल गेन। ठीक है, आपको चैप्टर 6A के डिडक्शन आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से ऐसी लॉन्ग टर्म गेन की इनकम को हटाने के बाद की इनकम पर मिलेंगे। अगला सबसेक्शन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे ध्यान से आप कैप्चर करिएगा क्योंकि मैं इसी को आगे सहारा लूंगा। सबसेक्शन 6 ऑफ 112A प्रेजेंट प्रोविजंस व्हिच आर एप्लीकेबल फॉर असेसमेंट ईयर 24-25, इट सेज वेयर द टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी इंक्लूड्स एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रेफर टू इन सबसेक्शन 1 जो कि 10% रेट पर टैक्सेबल होने वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, द रिबेट अंडर सेक्शन 87A शैल बी अलाउड फ्रॉम इनकम टैक्स ऑन द टोटल इनकम एज रिड्यूस्ड बाय टैक्स पेएबल ऑन सच कैपिटल गेन। बड़ा क्लियरली कैटेगोरिकली मना कर दिया, अगर आपके पास में 10% की टैक्स रेट वाली इनकम है जो कि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यूनिट का लॉन्ग टर्म गेन, इक्विटी शेयर्स का लॉन्ग टर्म गेन जहां सेल सब्जेक्ट टू STT हुई, वहां पर आपको जो 10% की गणना है उस मैटर में 87A की रिबेट कतई नहीं मिलेगी। क्या बोल रहा हूं सर मैं, नहीं मिलेगी, ये सेक्शन 112A में स्पष्ट व्यवस्था है। बात क्लियर हो गई, पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब बात करता हूं दोस्तों सेक्शन 112 की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम, सीधा सरल उदाहरण, रियल एस्टेट बेची, रियल एस्टेट बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, 20% की टैक्स रेट लगती है, क्या वहां पर हमारे को 87A की रिबेट न्यू टैक्स रिजीम में मिलेगी या नहीं मिलेगी। सेक्शन 112 सबसेक्शन 1 तो बहुत सारे केसेस में 20% की टैक्स रेट देता है,
इसी का सबसेक्शन टू बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कहता है वेर द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ एन एसेसी इंक्लूड्स एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट द ग्रॉस टोटल इनकम शैल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ सच इनकम एंड द डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A शैल बी अलाउड एज इफ द जीटीआई सो रिड्यूस वर द जीटीआई ऑफ द एसेसी। इसके अलावा बाकी ये सबसेक्शन 6 जो 112A में बताया था वैसा कोई सबसेक्शन दोस्तों 112 सेक्शन में है ही नहीं जो ये मना कर रहा हो कि आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से रियल एस्टेट पर 20% टैक्स लगने वाली इनकम में से 87A की रिबेट नहीं मिलेगी चाहे न्यू टैक्स रिजीम क्यों ना हो। तो सेक्शन 112 में जो 20% टैक्स लगता है दोस्तों उसमें से 87A की रिबेट मना नहीं है, ये बात आपके समक्ष यहां रखना चाहता हूं। आपको यदि मेरी बात को और पक्का करना हो तो आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 गूगल पर भी खोल सकते हैं और वहां सेक्शन 112 खोल करके देखें, कहीं पर भी आपको 87A की रिबेट मना करने की व्यवस्था नहीं मिलेगी। अब दोस्तों तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर आ रहा हूं जो सेक्शन 111A की 15% पर टैक्सेबल होने वाली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम थी उसमें सबसेक्शन 1 15% की टैक्स रेट सर्टेन केसेस में लिस्टेड इक्विटी शेयर्स म्यूचुअल फंड की यूनिट इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स वगैरह में दे रही थी। इसी का सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा था जैसा कि सेक्शन 112 का सबसेक्शन 2 बोल रहा है कि चैप्टर 6A के डिडक्शन बाकी की इनकम में से ही मिलेंगे, ये इनकम को हटा दीजिए। अगेन दोस्तों फिर नोट करिएगा सेक्शन 112A में जैसे 87A की रिबेट सबसेक्शन 6 में स्पष्ट रूप से मना की है सेक्शन 111A में स्पष्ट रूप से 87A की रिबेट मना नहीं करी। यही आकर के मेरे को यह कंक्लूजन मिलता है कि 87A की रिबेट नहीं मिलेगी 111A की इनकम पर लगने वाले टैक्स में से, ऐसी व्यवस्था तो स्वयं सेक्शन 111A में की ही नहीं गई। जब यह व्यवस्था नहीं की गई तो सीपीसी किस प्रकार 87A की रिबेट डिनाई कर रही है, ये अपने आप में शोचनीय प्रश्न है जिस पर सीपीसी को करेक्शन करना चाहिए। दोस्तों अब एक अल्टरनेटिव आर्गुमेंट और ले रहा हूं कि चलिए मैं एक प्रकार से अपनी बात को रख पाया, अभी एक दूसरा पक्ष और देखते हैं कि हेड और टेल सिक्के के दोनों पहलू समझने का कोशिश करते हैं, हो सकता है वहां मेरी बात गलत सिद्ध हो जाए तो उस बात के लिए आपको आगे लिए चलता हूं। अब देखिए दोस्तों सेक्शन 87A की रिबेट जो एक उम्मीद की किरण के रूप में जनता के पास में आई थी क्योंकि आपको 5 लाख रुपए तक की टोटल इनकम पर रिबेट मिलेगी 12,500 की और वित्त वर्ष 2023-24 से न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक की टोटल इनकम पर भी 25,000 की रिबेट देने की व्यवस्था की गई। तो 87A का ओरिजिनल टैक्स लॉ से लेके आ रहा हूं, एन एसएससी बीइंग एन इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 500,000, वैसे तो ये अंग्रेजों के जमाने की राइटिंग है जो अभी भी लॉ में आती है, 500,000 एक आम भारतीय नागरिक नहीं समझता। इस वीडियो से मेरा सजेशन ये भी है कि जब भारत सरकार अमेंडमेंट लेकर के आए 500,000 रुपीज लिखने की लॉ में जरूरत नहीं है, सीधे 5 लाख रुपए लिखिए, आम आदमी को 500,000 समझ नहीं आता। 500,000 शेल बी एंटाइटल्ड टू अ डिडक्शन फ्रॉम द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स एज कंप्यूटेड बिफोर अलाउिंग डिडक्शन टू दिस चैप्टर ऑन हिज टोटल इनकम विद विच ही इज चार्जेबल फॉर एनी असेसमेंट ईयर ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू 100% ऑफ सच इनकम टैक्स और an amount of 12,500 rupees whichever less। क्लियर हो गया सर? तो आपको ये व्यवस्था 87A की किसके संदर्भ में है, सारे करदाताओं के लिए जो इंडिविजुअल हैं, रेजिडेंट इन इंडिया हैं, जिनकी इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर नहीं है उनको 87A की रिबेट 12,500 देने की व्यवस्था ऑलरेडी लॉ में पहले से थी, वित्त वर्ष 23-24 से भी पहले थी। अब 23-24 से क्या व्यवस्था आई वो और देखते हैं। अब दोस्तों 23-24 फाइनेंशियल ईयर फाइनेंस एक्ट 2023 असेसमेंट ईयर 24-25 से एक प्रोविजो इंसर्ट हुआ सेक्शन 87A में 1/4/2024 यानी असेसमेंट ईयर 24-25 से, जिसमें कहा गया प्रोवाइडेड दैट वेयर द टोटल इनकम ऑफ असेसी इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर सबसेक्शन 1A ऑफ 115BAC, यानी ऐसा करदाता जिसकी इनकम 115BAC सबसेक्शन 1A में टैक्सेबल थी यानी न्यू टैक्स रिजीम में टैक्सेबल थी एंड टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 700,000, अगेन फिर लिखने वाले ने अंग्रेजी फॉलो करी यानी अंग्रेजी सिस्टम फॉलो किया, मुझे अंग्रेजी से परेशानी नहीं है, मैं अंग्रेजी भाषा का भी सम्मान करता हूं पर मेरी सोच भारतवासी की सोच है तो मैं मानता हूं कि हमारे यहां पर 500,000 700,000 वर्ड नहीं समझ में आते, हमारे को 7 लाख समझ में आता है।
does not exceed 7 lakh rupees, the assessee shall be entitled to a deduction from the amount of income tax as computed before allowing for deduction under this chapter on his total income with which he is chargeable for an assessment year of an amount equal to 100% of such income tax or an amount of 25,000 rupees whichever less. यहाँ से दोस्तों new tax regime में 87A की rebate बढ़ा करके 12,500 की जगह 25,000 कर दी गई जिससे लोग बहुत खुश थे. Exceeds 700,000 रुपीज बल्कि जहां पर 7 लाख रुपए से ऊपर है वहां पर एक मार्जिनल रिलीफ की बात और करी गई. तो ये मार्जिनल रिलीफ की बात तो मैं यहां भी नहीं छेड़ रहा. ये सेक्शन 87A में जो प्रोविजो इंसर्ट हुआ बात यहां पर रुक गई. इसके बाद और कोई सबसेक्शन नहीं और कोई प्रोविजो नहीं. इससे मैं अपनी बात क्या सिद्ध कर सकता हूं दोस्तों. सेक्शन 87A में भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया कि आपकी सेक्शन 111A की 15% की टैक्सेबल इनकम में से आपको ये जो 25,000 रुपए की रिबेट है ये नहीं मिलेगी. तो ना तो दोस्तों 111A में मना किया ना सेक्शन 87A में मना किया. तो फिर सीपीसी किस आधार पर ये रिबेट डिनाई कर रही है ये बात वास्तव में आश्चर्यचकित कर देने वाली है. दोस्तों मैं जनरली इतना एग्रेसिव तरीके से अपनी बात को नहीं रखता लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर कानून के लागू करने में कानून की एजेंसी फेल हो रही है तो उसको जगाना जरूरी है. इसलिए मैं यहां पर अपनी बात को तर्क के साथ प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरा यह तर्क यदि अथॉरिटीज के समझ में आएगा तो वो जनता जनार्दन को निश्चित रूप से रिलीफ देने के लिए प्रेरित होंगे. अब मान लेते हैं कि सीपीसी अपनी बात पर अड़ी रहे तो एक करदाता के पास क्या सॉल्यूशन है. जरा ये भी तो पक्ष देख लें कि भगवान करे कि एक सद्बुद्धि यज्ञ हो सद्बुद्धि आए सीपीसी अपनी गलती को करेक्ट करे. क्यों सर? क्योंकि सीपीसी कोई व्यक्ति नहीं है. सीपीसी एक सिस्टम जितना मैं समझता हूं और इस सिस्टम में कुछ प्रोग्रामिंग कर दी गई है कि अच्छा अनु भाटिया की रिटर्न आए इस प्रोग्राम से उसको गुजार देना. अगर वो फिल्टर होकर के सही निकल गई तो उसको नो रिफंड नो डिमांड निल पे या डिमांड हो तो उस पर प्रोसेस कर देना रिफंड हो तो उस पर प्रोसेस कर देना. अब मेरी रिटर्न अटक गई क्योंकि सीपीसी का प्रोग्राम जिसने लिखा उसने 87A की रिबेट 111A की इनकम से न्यू टैक्स रिजीम में मना कर दी और इसका प्रभाव जनता जनार्दन तक व्यापक स्तर पर देखने में आया. चलिए आपके पास क्या उपाय है. एक फाइलिंग रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट अंडर सेक्शन 154 आप करके देख लीजिए. मेरे हिसाब से ये उपाय होना तो चाहिए पर इस उपाय का कोई असर सीपीसी पर होगा नहीं. आपको तुरंत जल्दी ही रेक्टिफिकेशन होके मिल जाएगा और डिमांड वापस से खड़ी कर दी जाएगी. तो फिर अगला हाल क्या हो. देन यू कैन एक्सपेक्ट द रिलीफ इन फॉर्म ऑफ फाइलिंग एन अपील बिफोर सीआईटी अपील. और वहां जो तर्क मैंने आपके समक्ष रखे यदि आप सीआईटी अपील के समक्ष ये तर्क रखेंगे तो सीआईटी अपील सुन करके मुझे उम्मीद है पॉजिटिव निर्णय देंगे आपके फेवर में अगर लॉ इस प्रकार से वो समझ पाए. मान लीजिए सीआईटी अपील भी आपकी बात नहीं समझे तो आईटीएटी इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल जो ऑनरेबल बेंच हर स्टेट में है वो इस बात को कंसिडर कर सकती है जैसा कि मैंने अपनी बात रखी. मान लीजिए आईटीएटी भी नहीं कंसिडर करे तो क्योंकि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो हाई कोर्ट्स एवं सुप्रीम कोर्ट तक भी ये बात पहुंचाई जा सकती है. तो मैं ये मानता हूं कि ज्यादातर करदाताओं को सीआईटी अपील नहीं तो आईटीएटी लेवल पर रिलीफ मिल जाएगा. अब बहुत से लोग इस पेशोपेश में अनूप जी 1,000, 2,000, 5,000 की डिमांड बनी है कौन लड़ेगा. मैं पे कर देता हूं मैं आपको रोकूंगा नहीं सर क्योंकि बहुत से लोग माथा फोड़ी नहीं चाहते. जीवन में और भी बहुत परेशानियां हैं 2,000-4,000 लगते हैं लग जाए. हालांकि मैं उस अप्रोच को सही नहीं मानता बट टू बाय मेंटल पीस उसकी जो प्राइजिंग है वो इस 1,000-2,000, 5,000 से बहुत कम है. वो कॉल आपको लेनी पड़ेगी परंतु मैं तो लड़ूंगा और लड़के ही रिलीफ लेकर के आऊंगा ऐसा मैं निश्चय करता हूं. तो दोस्तों अंत में ये कह सकता हूं कि सीपीसी के इस एक्शन ने बहुत से करदाताओं को चौराहे पे ला के खड़ा कर दिया कि उन्हें ये तय करना है कि उन्हें अपील करनी है रेक्टिफिकेशन लगाना है या ये टैक्स लायबिलिटी पे करके छुटकारा पाना. एक अंदाजा देखिएगा दोस्तों मैं आपके समक्ष एक गंभीर स्थिति रखता हूं. ये मैटर बहुत छोटा है आपके लिए 1,000-2,000 देना. आप भारतवासियों की इनकम अब बहुत बढ़ गई है तो अच्छी बात है कि वो सरकार से परहेज नहीं करते 2,000-4,000 जेब से भी देना है दे देते हैं. दिल बड़ा है हमारा. अब सुनिएगा अगर सीपीसी ये कहती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है कि 31 जुलाई 2024 तक असेसमेंट ईयर 24-25 के लगभग 7.25 करोड़ प्लस रिटर्न आ गए उसमें से न्यू रिजीम में लगभग 5.25 करोड़ प्लस रिटर्न है.
मैं 5.25 करोड़ का केवल 1% 5 लाख रिटर्न मान लेता हूं, जिसमें 87A की रिबेट का मैटर इन्वॉल्व हो, ऐसा ही एक तुक्का लगा रहा हूं सर, 87A के रिबेट का मैटर इन्वॉल्व हो इसी प्रकार का, और उनके अंदर केवल 2,000 रुपए का डिमांड बना है इस प्रकार की गलती की वजह से जो सीपीसी से हो रही है, तो ये फिगर दोस्तों 100 करोड़ पहुंच जाता है। तो 100 करोड़ रुपए एक्सचेकर को रेवेन्यू को इस प्रकार की गलती से मिल जाते हैं, ये कोई छोटा फिगर नहीं है दोस्तों। अब एक्चुअल फिगर क्या होगा वो सीपीसी जानती है, मैं नहीं जानता, हो सकता है मुझे झुटला दिया जाए कि अनूप जी आप फिगर ही गलत अनाप शनाप जनता को भड़काने के लिए बोल रहे हो। मेरा पर्पस दोस्तों जनता को भड़काना नहीं है, मेरा पर्पस सिस्टम को जगाना है कि सिस्टम से यहां पर गंभीर गलती हो रही है, इस गलती को सुधारिए, सीओ मोटो रेक्टिफिकेशन करिए इंटीमेशंस में, ये वास्तव में सही तरीका होना चाहिए सीपीसी द्वारा इस गलती को सुधारने का। यदि ऐसा हो जाता है तो मेरी ये वीडियो सफल होगी, नहीं भी होती तो हम लड़ करके सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। तो आई होप दोस्तों आज का ये कंटेंट आपके लिए यूजफुल रहेगा, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।